डिस्कस ऑफ हिस्ट्री, डिस्कस ऑफ प्रोग्रामिंग, डिस्कस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री अबाउट द सी लैंग्वेज, ठीक है। चलिए फिर से इसको सर यही कर रहे हैं। फिर से शुरू करते हैं आज, चूंकि बीच में वहां पे इंटरप्शन भी पिछले क्लास में हो गया था, तो दैट्स व्हाई मैं फिर से इसको रीस्टार्ट करता हूँ। लेकिन रीस्टार्ट करने के पहले, इस टॉपिक को रीस्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं कि आप जो क्यू बेसिक सीखे थे उसमें जो फ्लो चार्ट एल्गोरिथम, जो आप सुडो कोड, ये सब जो चर्चा की गई थी, जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो चर्चा की गई थी, उनको आपको फिर से दोबारा रिवाइज करना होगा, क्योंकि वो चीज फिर से जरूरी हो जाएगा किसके लिए, सी के लिए। यानी हम सी पढ़ रहे हैं और ऐसा सोच लें कि फ्लो चार्ट नहीं पूछेगा तो गलत है, ऐसा सोच लें कि किसी चीज का एल्गोरिथम लिखने के लिए ना पूछे तो वो भी गलत है, ठीक है। तो उस चीज को एक बार ऑलरेडी आपको क्यू बेसिक में पढ़ाया जा चुका है कि नहीं पढ़ाया जा चुका है? पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो एक बार उसको देख लीजिएगा, अगर लगे आपको किन्हीं एक को भी लगे, किसी एक को भी लगे कि हमको दिक्कत है, तो वो आके पूछेगा हमसे कि सर फ्लो चार्ट हमने देखा, हमको दिक्कत आ रहा है, तो हम उस टॉपिक को दोबारा वहीं पे डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। लेकिन चूंकि ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, काफी मेहनत किया जा चुका है, तो हम चाहेंगे कि इसको आप पहले आप अपने अटेम्प्ट से एक बार दोबारा देख लें, और दिक्कत होगा तो आगे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम सी की तरफ ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ेंगे, क्लियर। तो हम लोग चलते हैं हिस्ट्री ऑफ सी की तरफ बढ़ते हैं, और हिस्ट्री ऑफ सी में सबसे पहले हमको सी के पहले की बातों को समझना होगा, ठीक। जैसा कि हम लोग क्यू बेसिक लैंग्वेज यूज किए थे, तो क्यू बेसिक नॉर्मली 1979-80 के आसपास का, यानी 79-80 समवेयर इट इज रिटन एज 82, ठीक है, कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको 80-82 के आसपास में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। लेकिन क्यू बेसिक आया किससे? बेसिक लैंग्वेज से, ठीक है। और बेसिक लैंग्वेज करीब 1964 या 65 के आसपास का लैंग्वेज है। इन्वेंशन कब हुआ था? 64 और 65 के आसपास में, ठीक है, जॉन केमनी और टॉम कुर्ज के द्वारा बताया गया था, याद आ रहा है वगैरह, ठीक है। yes, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी के पहले बहुत सारे लैंग्वेजेस चल रही थी, ठीक है, सी के पहले बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी चल रहा था। उस समय सी के पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें पीडीपी था, PDP 1, PDP 2, 3, 4, ऐसा करके 10, 11, 12 तक पीडीपी गया था, ओके। और उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किए जा रहे थे वो ज्यादातर असेंबली को प्रेफर करके, असेंबली लैंग्वेज को यूज करके इस्तेमाल किए जा रहे थे। किस लैंग्वेज को यूज करके? मतलब हमको ओएस बनाना है, नया ओएस बनाना है। मान लीजिए पीडीपी 1 बनाए तो अब क्या बनाना है? PDP 2, PDP 3, PDP 4, ठीक है। ऐसे ओएस बनाना, तो ओएस बनाने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए ना, तो उसके लिए सुटेबल लैंग्वेज उस समय जब सी नहीं था, उसके पहले की बात कर रहे हैं, तो कौन था? असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज तो कॉम्प्लेक्स है, क्यों? क्योंकि सिंबॉलिक है, एवरीबॉडी, ठीक है। जिसके दिमाग में जहां भी लगे कि कुछ आर्ग्यू करना है उसी समय कर लेगा, ओके। तो असेंबली कॉम्प्लेक्स था, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या करता है? चीजों को आगे बढ़ाने में, बढ़ाने की जो स्पीड है वो काफी स्लो कर देता है। क्या कर देता है? काफी स्लो। नहीं, अगर असेंबली आसान रहे तो हम ज्यादा से ज्यादा काम करने की उसमें कोशिश करेंगे, और कॉम्प्लेक्स रहे तो काम करने की कोशिश करेंगे लेकिन कतराएंगे भी उतना कि बड़ा भारी है, अच्छा छोड़ते हैं, अभी काम चल रहा है ना, बाद में देखा जाएगा। नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो इसका मतलब खूब ढेरों सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, खूब सारे फीचर के साथ, ऐसा कुछ पहले हो नहीं रहा था, लिमिटेड अप्रोच के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे थे, ठीक है। और उन्हीं लिमिटेड अप्रोचेस में PDP 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 12 तक का रहा, ठीक है, और साथ साथ डॉस का भी रहा, ठीक है। डॉस तो बाद में आया, पहले था पीसी डॉस, बाद में हो गया एमएस डॉस, ओके। तो सी के पहले जब सी लैंग्वेज नहीं आया था या नहीं था, तो क्या सॉफ्टवेयर नहीं बन रहा था? क्या थर्ड जनरेशन नहीं आया? थर्ड जनरेशन आ गया था, तो क्या सॉफ्टवेयर नहीं बन रहे थे? बन रहे थे। तो फिर किसका इस्तेमाल किया जा रहा था? असेंबली लैंग्वेज, वो तो बड़ा मुश्किल काम है। तो कहा गया कि नहीं, असेंबली और सी के बीच में अगर बात करें तो ढेरों सारे लैंग्वेजेस मिले, ठीक है।
ढेरों सारे मिले लेकिन सब पॉपुलर नहीं हुए, कुछ इस्तेमाल में है, जिनमें से एक बेसिक की बात हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में किया है कि भाई बेसिक लैंग्वेज मिला जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, यानी सीखने के लिए बेसिक सबसे सूटेबल है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर बनाना हो, बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना हो, तो बेसिक लैंग्वेज उसके लिए उतना सूटेबल नहीं। पॉइंट क्लियर? क्लियर, ओके। तो कैसे होता होगा सर? मान लीजिए कमर्शियल सॉफ्टवेयर बनाना है, बैंक का बनाना है, रेलवे का बनाना है, हॉस्पिटल का बनाना है, किसी शॉप का बनाना है, कॉलेज का बनाना है, स्कूल का बनाना है, ठीक है, तो रॉकेट लॉन्च का बनाना है, सैटेलाइट लॉन्च का बनाना है, ठीक है, WBC काउंट का बनाना है, RBC काउंट का बनाना है, मॉलिक्यूल्स काउंट का बनाना है, जो जो बोल रहे हैं आपको सब समझ में आ रहा है कि ये वर्ड पहले नहीं पढ़ा है, पहले से पढ़े है ना, सैटेलाइट लॉन्चिंग समझ रहे हैं ना, ठीक है, ओके, रॉकेट लॉन्चिंग, मॉलिक्यूल काउंट्स में WBC RBC जो बायोलॉजी पैथोलॉजी में होता है, ठीक है, तो अब थोड़ी ह्यूमन थोड़ी कुछ करता है, अब माइक्रोस्कोप सब सब रहता है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, दे दीजिए वो अपने आप सब चीज काउंट करके क्या कर देगा आपको बता देगा, ठीक है। अब ज्यादातर चीज क्या हो गया है, कंप्यूटराइज हो गया, तो जाहिर बात है सॉफ्टवेयर बना होगा तब ना वो कर रहा है वैसा, ठीक है। तो सी और असेंबली के बीच में जो लैंग्वेजेस आए, जो पॉपुलर लैंग्वेजेस आए, उनमें बेसिक सीखने के भी पॉइंट से था, और एक लैंग्वेज उस समय आया कोबोल, कंपाइलर बेस्ड, क्या आया, कोबोल। तो कोबोल जो था वो कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए सूटेबल था, किस तरह के एप्लीकेशन के लिए, कमर्शियल मतलब स्कूल का सॉफ्टवेयर, कॉलेज का सॉफ्टवेयर, यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर, बैंक का सॉफ्टवेयर, ठीक है, हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर उसमें आसानी से हम लोग बना सकते थे, ये उसके लिए सूटेबल था, लेकिन बाकी कामों के लिए ये सूटेबल नहीं था, ठीक है। तो सर मान लीजिए कि हमको इंजीनियरिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे आज के डेट में CAD इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसमें इंजीनियर चाहता है कि हम एक फ्लैट का, या फ्लैट कर रहे हैं ये क्या बोलते हैं, अपार्टमेंट का एक मैप तैयार करें, ठीक है, उस मैप के आधार पे हम कितना मटेरियल्स खर्च होंगे, ठीक है, कहाँ कितने मटेरियल्स लगेंगे, कितनी कॉस्टिंग आएगी, कुछ इस तरह का हम काम करें, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात, ठीक है, बात आपके डायरेक्ट नहीं है लेकिन समझ में आना चाहिए कि हाँ सर जो बोल रहे हैं ये चीजें हम देख रहे हैं, ओके। तो अगर इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना हो जो मैप तैयार कर दे, बिल्डिंग में क्या मटेरियल्स लगे, कितना मटेरियल्स लगे, कितने फ्लोर तैयार करेंगे तो कितना मटेरियल्स लगे, ये सब हमको बता दे, कितने रूम बनाएंगे तो उसमें क्या मटेरियल्स लगेंगे, क्या खर्चे जाएंगे, ये सब जो बताने लगे, ऐसी व्यवस्था कोबोल में नहीं थी, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए दिया गया एक दूसरा लैंग्वेज उसी समय, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कंपाइलर बेस्ड एंड दैट इज कॉल्ड फॉर्ट्रेन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसको कहा जाता है। तो फॉर्ट्रेन में इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं वो बना सकते हैं इजिली, क्योंकि उसमें फीचर ज्यादा मिलता था, क्लियर। लेकिन आप फॉर्ट्रेन को लेके आप कहिएगा कि हम बैंक का सॉफ्टवेयर बनाए, हॉस्पिटल का बनाए, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, क्लियर। सो समझ में आ रहा है, ऐसे तोता की तरह बैठ गया कर रहे हो, तोता भी सुनता है अब फिर दोहराता है, ठीक है। एक होता है बहरा तोता, ठीक है, ऊंच ऊंच सुन के सुनाई नहीं पड़ रहा है उसको, बस ऐसे किए हुए, तो समझ में आ रहा है ना पूरा, वो तो दिमाग में बैठना चाहिए बात, ओके। तो ये तो हो गया आपका, यानी कोबोल हो गया बिजनेस ओरिएंटेड, फॉर्ट्रेन हो गया इंजीनियरिंग बेस्ड एप्लीकेशंस, अब हो गया सर साइंटिफिक, रॉकेट लॉन्चिंग, ठीक है, एरोप्लेन का सॉफ्टवेयर बनाना है, एरोप्लेन का बनता है ना, आजकल सुने होंगे एरोप्लेन में ऑटो पायलट सिस्टम होता है, ठीक है, शुरुआती दौर में पायलट मैनुअल ट्रांसमिशन करता है, उड़ा लेता है, उड़ाने के बाद जब एक सर्टेन हाइट पे जब प्लेन को स्ट्रेट कर देता है, ठीक है, तो ऑटो पायलट दबा देता है और अपने चुपचाप बैठ के गैप करता है, गाना सुनता है, कुछ भी करता है, ठीक है, ओके। अब फिर जब डाउन करना रहता है तो फिर ऑटो पायलट से वो मैनुअल में आ जाता है,
हालांकि अप और डाउन भी ऑटो सिस्टम किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है उसमें कि एक्यूरेसी लेवल में कमी आ जाए। नहीं, क्योंकि वो मान लीजिए कि उड़ने वाला है, ठीक है, और जिस समय उड़ने लगा उस समय तूफान आ गया, ठीक है, तो ऑटो को ऑटो में डालेंगे। पिछले क्लास में मेरे ही क्लास में आए थे, हाँ हमने आए, अच्छा कोई और आया था। गिव मी वन, हाँ जी, तो हमारा काम निकल गया, ये दो का निकल गया। अब हुआ कि साइंटिफिक कैसे होगा, ऑटो पायलट वाला सिस्टम पे बता रहे थे। तो जैसे हम लोग ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक के लिए और बनाना होगा। हो सकता है कि कुछ हम समझाए, कुछ समझाना भूल गए, नहीं समझे, आंधी तूफान के बारे में बता दिए, आग लगने के बारे में उसको बताना भूल गए, ठीक है। तो हम तो उड़ा रहे हैं, अगर तो आग लगा है तो रोक भी लेंगे, ठीक है, उसको आग का पता ही नहीं है तो आग लगा हुआ है, उड़ा देगा उसे, नहीं समझे। तो इसलिए अमूमन सर, रोहित सर वेटिंग में है सर, आ? रोहित सर वेटिंग में है। अच्छा, वो निकल गया था क्या? ठीक है, तो हो सकता है कि सारी चीजों की ऑटो पायलट की व्यवस्था हो, पर फिर भी मैनुअल ट्रांसमिशन उड़ाने और ड्रॉप करने के समय मैनुअल ले लेता है, बाकी समय ज्यादातर, चूंकि मैं फ्लाइट में सफर किया हूं और लिटिल विटिल कॉकपिट नॉलेज है, लिटिल विटिल, ठीक है, तो उसी के बारे में आपको शेयर कर रहा हूँ। तो नॉर्मली होता है कि जब एक सर्टेन हाइट पे उड़ा लेता है, ठीक है, और जब स्ट्रेट जाना होता है तो बस ऑटो पायलट दबा देता है और बाकी का काम वो ऑटो पायलट करता है, ठीक है। सारा चीज कंफर्मेशन रीडिंग ले रहा है डेटा का, अगर हाइट थोड़ा बहुत ऊपर करना है तो ऊपर कर रहा है, नीचे करना है तो नीचे करना है, ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाना है तो बढ़ा रहा है, घटाना है तो, मतलब जैसा उसको डाटा मिल रहा है उस हिसाब से वो ऑटो पायलट खुद से एडजस्ट कर रहा है। और आप जब सर्टेन लोकेशन पे पहुंच जाते हैं तो फिर से वो मैनुअल ट्रांसमिशन करके जो पायलट होते हैं वो लैंड करा देते हैं, ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल ही होता है, ठीक है। बीच बीच में हो सकता होगा, बहुत मौसम खराब है, ठीक है, बादल बहुत कड़क रहा है, ठीक है, थंडरिंग लाइटनिंग जिसको आप लोग कहते हैं, ये सब होता है, तो हो सकता है कि उस समय मैनुअल ट्रांसमिशन में पायलट, ठीक है, काम करता हो बचाने की कोशिश करो, क्योंकि जब लाइटनिंग होता है तो प्लेन ऐसे करता है, ठीक है, जब लाइटनिंग होता है तो प्लेन ऐसे करता है, तो अगर सफर कर रहे हैं तो चेहरा सूख जाता है, ठीक है, जैसे बादल कड़केगा ना ऐसे ऐसे करता है, तो आपको लगेगा लोग उलट गया क्या। हेलो, तो हम तो क्लास ले रहे हैं बाबू, नीरज सर को एक बार देख लो, और हम खाली होंगे अब 4-5 बजे, ठीक। ओके, ठीक है, तो अभी भी मैं इसके लिए अभी भी है, जैसे अभी थोड़ा सा ठंड गिर गई है, बीच में डेंगू उंगू का भी बहुत प्रकोप आ गया था, यू नो वेरी वेल, ठीक है, और हर साल आ जाता है, पता नहीं वो इसी समय में जब जब गर्मी खत्म होती है और ठंड आने की शुरू होती है तो एक्टिव हो जाता है और बाकी समय जाके छुप जाता है, जैसे ठंड गिर जाता है पूरा ना, छुप जाता है,
ठीक है, फिर अगले जब गर्मी खत्म होगा और ठंड हल्की आएगी फिर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब इसका परमानेंट सॉल्यूशन कुछ ढूंढा नहीं गया है। तो डेंगू, डेंगू में क्या होता है कि अमूमन किसी को फीवर आता है तो डॉक्टर जो है कॉन्शस हो जाता है उसके प्लेटलेट लेवल पे। ठीक है, कि अगर बहुत प्लेटलेट डाउन होगा तो हमको उस अनुसार फिर ट्रीटमेंट करना होगा। तो प्लेटलेट में क्या होता है, प्लेटलेट में मैं जानता हूं ऐसा, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो दो तरह के प्लेटलेट काउंटिंग होती है, एक प्लेटलेट काउंटिंग होती है थ्रू द कंप्यूटराइज और एक होता है मैनुअल, उसमें लिख देता है डॉक्टर मैनुअल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कंप्यूटराइज किए तो उसमें बता रहा है प्लेटलेट 25,000 मान लीजिए किसी का। ठीक है, अभी एक मेरे रिलेटिव आए थे तो उनका 32,000 बता रहा था और उसी का मैनुअल फिर कराया गया। तो मैनुअल में क्या होता है, उसी ब्लड सैंपल को लेकर माइक्रोस्कोप से मैनुअली देखा जाता है, झांका जाता है। ठीक है, और उस वॉल्यूम से निकाला जाता है रेशियो, तो उसमें आ गया उसका 51,000। मतलब कंप्यूटराइज 32,000, मैनुअल में 51,000। ठीक है, हालांकि कम है, फिर भी दोनों में ही कम है। ठीक है, कम तो है ही, लेकिन आपको डिफरेंस समझ में आ गया। तो जहां पे भी लगता है कि एक्यूरेसी लेवल पे और जाना है, ठीक है, तो हो सकता है हम मैनुअल अप्रोच अपना ले, क्या कर ले, मैनुअल अप्रोच अपना ले। ठीक है, तो साइंटिफिक, फिर भी हम लोग साइंटिफिक बहुत चीज ऑटोमेटिक चाहते हैं कि आज के डेट में हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को फिर साइंटिफिक एप्लीकेशन डेवलप करना होगा। और सी के पहले, जब सी नहीं था, तो उसके लिए एक और लैंग्वेज उस समय दिया गया था, आया था, जिसका नाम था पास्कल। क्या नाम था? पास्कल। ठीक है, आपको क्यू बेसिक में भी सब्जेक्ट नाम किए थे। ठीक है, अब नहीं किए थे तो अभी सुन लीजिए। हाँ, किए होंगे, पास्कल। ठीक है, तो पास्कल इज सुटेबल फॉर द साइंटिफिक एप्लीकेशन। क्लियर? ठीक, यानी असेंबली लैंग्वेज के बाद, चूंकि असेंबली में काम करना हमारे लिए कॉम्प्लेक्स था। ठीक, अब सी नहीं था तो कमर्शियल तैयार करना है तो कोबल, इंजीनियरिंग बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है फोरट्रान, साइंटिफिक एप्लीकेशन तैयार करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे कुछ काम करना है असेंबली। वेरी वेरी गुड, असेंबली ये विकल्प था, इसी पे काम चल रहा था, हो रहा था। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी था, नहीं था? आप एक प्रोग्रामर हैं और आप अपने आप को हर लेवल पे, ठीक है, क्यों आ रहा जा रहा है, कुछ दिक्कत है? सबके साथ होता है कि मेरे ही साथ हो रहा है? सबके साथ होता है, मेरे साथ हो रहा है, ऐसा ना हो इसके लिए बीजीए है, बीजीए काम करता है इसका? रेजोल्यूशन सपोर्टेड नहीं है। खैर एनीवे, नहीं तो करेगा तो आपका ध्यान भंग होगा ना, फिर डिस्कनेक्ट कर दें। चलिए ठीक है, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो मुश्किल काम इसलिए भी था, सीध नहीं आया था तो, क्योंकि उस समय अगर मान लीजिए एक आप प्रोग्रामर है और आप अपने आप को मल्टीफेरस बनाना चाहते हैं, ठीक है, हर तरह का काम करना चाहते हैं, तो आपको 4-5 लैंग्वेज का बोझ लेके ढोना होगा। आपको बेसिक लैंग्वेज भी सीखना होगा क्योंकि प्रोग्रामिंग सीखना है, कोबोल भी सीखना होगा क्योंकि हमको कमर्शियल भी बनाना है, फोरट्रान भी सीखना है क्योंकि इंजीनियरिंग भी वाला भी काम करना है, पास्कल भी सीखना है क्योंकि साइंटिफिक भी हमको तैयार करना पड़ सकता है। ठीक है, और असेंबली भी सीखना है क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम से भी रिलेटेड हम काम, तो मतलब 4-4, 5-5 लैंग्वेज का बोझ लेके ढोइए। ठीक है, तो आपके वर्किंग एफिशिएंसी के कॉम्प्लेक्सिटी को हम घटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? नहीं सर, हम आपके वर्किंग एफिशिएंसी के कॉम्प्लेक्सिटी को उस समय बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। इतना सारा लोड दे दिए हमको, 5-5 चीज सीख के तब हम सारे काम को कर सकते हैं। जाहिर बात है कि जब किसी भी चीज में कॉम्प्लेक्सिटी आता है तो दिमाग में हलचल होता है और उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम दूर करने की कोशिश करते हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है।
नहीं, अरे बदन में दर्द होता है तो हम लोग उस दर्द को भगाने की कोशिश में लग जाते हैं ना, ठीक है। अब उसके लिए गोली खाए या जो भी मसाज करे या व्हाटएवर जो भी, क्लियर। तो वैसे ही उस समय चल रहा था और इसी कॉम्प्लेक्सिटी को लेते हुए, ठीक है, हमको आगे बढ़ना था कि कैसे इसको रिड्यूस किया जाए। अब यहां से बेसिक हिस्ट्री शुरू हो रही है, ये तो सी के पहले की बात बता रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्या सोचना है कि पांच पांच छह छह लैंग्वेज हम जो सीखे, एक ही लैंग्वेज मिलता, मजबूरी था। असेंबली में सारा काम हम कर नहीं सकते क्योंकि असेंबली कॉम्प्लेक्स था। तो सर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए असेंबली क्यों यूज करते थे, क्योंकि कोबल फोर्ट्रान पास्कल में ओएस के लेवल पे कोई काम हो ही नहीं सकता, तो मजबूरी में हमको असेंबली में जाना पड़ रहा है, उसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो हुआ कि इतने सारे जो झमेले वाले हैं, हर अलग अलग लैंग्वेज सीखे, एक ही लैंग्वेज होता जो सब काम करा देता, क्या हो जाता, आसान हो जाता। नहीं, हम एक ही लैंग्वेज सीखेंगे और हर तरह का काम कर सकते हैं, ये आसान है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सोच तो आ गया, ठीक है, लेकिन सोच आ गया तो जरूरी नहीं है कि सोच आ गया अभी हमने कुछ किया और सक्सेस भी हो गया, ऐसा होता नहीं है। जो हो जाता है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसी सोच के साथ 1965 के ही आसपास, नहीं 1958 के आसपास, नॉट 65, 1958 से ही इस सोच को लेके आगे बढ़ा गया था। एक रिसर्च स्कॉलर, यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर होते हैं, जानते हैं पीएचडी जो लोग करते हैं, ठीक है, मतलब आप पढ़ लिए, अब आप कुछ कोई चीज हुआ है उस पे आप दोबारा कुछ नया आप उसमें नॉलेज इंप्लीमेंट कीजिए और चीजों को नए बना के आप दीजिए वर्ल्ड दुनिया को, नहीं समझे। रिसर्च मतलब क्या होता है, जो चीज खोजा गया है उसको दोबारा खोजिए, उसमें दोबारा सर्च कीजिए, ठीक है। अगर कंप्यूटर खोज लिया गया, जितनी चीजें बता दी गई हैं, अब और क्या हो सकता है। अगर आप कुछ नया समझते हैं, आपके पास कोई ओपिनियन है, ठीक है, तो वो नई बातों को आप इसमें रख दीजिए, दैट इज कॉल्ड रिसर्च, क्लियर। ये प्रिंटर बन गया है और क्या, दूसरा तरह का भी प्रिंटर हो सकता है और व्यवस्थाएं बढ़ाई जा सकती हैं, ठीक है, तो वो आप कीजिए, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। तो ये कुछ रिसर्च स्कॉलर के पास ये स्कीम बना कि हम दुनिया को एक लैंग्वेज दें, ठीक है। तो चूंकि वो लोग रिसर्च स्कॉलर थे, पीएचडी थे, तो उनको प्रोजेक्ट भी सबमिट करना होता था, तो उपाधि मिलेगी पीएचडी डॉक्टरेट की, ठीक है। पर साथ साथ उन्होंने सोचा है कि अगर लैंग्वेज हम लोग डेवलप करेंगे तो दुनिया को भी दे देंगे, दुनिया इसको यूज करेगा। सब जगह ऐसा ही हुआ है, सब पहले रिसर्च होता है, स्कॉलर रिसर्च करते हैं, ठीक है, और फिर वर्ल्ड को दे देते हैं, ठीक है। कोई चीज सक्सेस हो जाता है, कोई चीज फेलियर हो जाता है, तो दोबारा रिसर्च होता है उसमें, ठीक है। नहीं हो पाता, एक सर्टेन लिमिट तक में नहीं होता है, तो उसको बाईपास कर दिया जाता है, ठीक है, वो हट जाता है, मार्केट से आउटडेटेड हो जाता है। बहुत सारे लैंग्वेज आए आज तक आउटडेटेड हो गए, उनका इस्तेमाल वाइडली रूप से नहीं हो पाए, ठीक है। मैं जितना बोल रहा हूं सबको समझ में आ रहा है, ओके। तो उस समय स्कॉलर जो थे उनके पास आया कि हम लोग एक काम करते हैं, अपना थेसिस अपना इसी में बनाते हैं, एक लैंग्वेज में बनाते हैं, एक ऐसा लैंग्वेज जो सारा काम करे। तो उन्होंने उस लैंग्वेज का नाम रखा एल्गोल, क्या नाम रखा, एल्गोल। उसको एल्गोल एल्जेब्राइक लैंग्वेज बोला गया, सॉरी एल्गोरिथमिक लैंग्वेज बोला गया, क्या बोला गया, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है, दैट वॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उन्होंने अपना थेसिस वगैरह लिखा, प्रोजेक्ट लिखा, सबमिट किया। सबमिट तो प्रोजेक्ट थोड़ा कम भी होता है, नौ भी करता है, 70% भी होता है, 60% भी होता है, तो एक्सेप्ट हो जाता है, पता है कि नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप चीजों को 100% ही करके जमा करेंगे तो होगा, 70% भी करके आपने बताया कि ये नए कामों को जोड़े है, ठीक है, और सामने वालों को लगा कि रियली में ये काम नए है, कन्विंस्ड हो गया, आपने कन्विंस्ड कर लिया तो आपका थेसिस अप्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन किसी भी थेसिस के पेपर पर सक्सेस होने के बाद मेन उसका होता है प्रैक्टिकली सक्सेसफुल होना,
प्रैक्टिकली सक्सेसफुल होने का मतलब है आप यूजर है, आपके कंप्यूटर में ये पहुंचा दिए, आप यूज किए और आपने कह दिया कि ये सही है तो ये ओके है, अदरवाइज वो फिर कागज पे ही रह जाएगा। तो सडनली एल्गोल ये लोग अपना सबमिट भी कर दिया, एल्गोल मार्केट को भी दे दिया है, लेकिन मार्केट में जब आप यूज करने शुरू किए एल्गोल को तो आप कहें कि ये सही लैंग्वेज नहीं है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या कॉम्प्लेक्सिटी है आगे चर्चा करते हैं, ठीक है? मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है, हम नहीं यूज कर सकते, हम नहीं सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, दिक्कत है, क्लियर? तो एल्गोल फेल, पर सोच तो आ चुका था, ठीक है? ये सोच एक स्टेप आगे बढ़ के फिर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर के पास पहुंचे, ठीक है? उसके बाद उसने एक बनाया एल्ट्रन, एल्ट्रन लैंग्वेज का नाम, एल्जेब्रा ऑफ ट्रांसलेशन या एल्जेब्राइक ट्रांसलेशन, सॉरी एल्जेब्राइक ट्रांसलेशन। हालांकि इसकी जिक्र कुछ किताब में मिलती है, कुछ में नहीं मिलती है, ठीक है? ये बहुत जगह हिडन भी हो जाता है, तो हो सकता है कुछ पढ़े मिले, कुछ जगह ना भी मिले। वैसे आप गूगल में सर्च करके खोज सकते हैं एल्ट्रन। एल्गोल के बाद क्या आया एल्ट्रन, ये 1965 के आसपास में इसको दिया गया था। सोच वही था कि एल्ट्रन, ठीक है, हम इस पे थेसिस भी लिखेंगे, लैंग्वेज बनाएंगे, सबमिट करेंगे यूनिवर्सिटी को और दुनिया को भी देंगे, ठीक है? दुनिया इसमें काम करेगा, हर तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा। वो स्कॉलर भी वही किया, उसमें कुछ अपडेट किया, एल्गोल को लिया, एल्गोल पे कुछ दिमाग लगाया, ठीक है, एल्ट्रन बनाया, थेसिस सबमिट किया, अप्रूव्ड हो गया, पीएचडी की उपाधि मिल गई, मार्केट को सप्लाई कर दिया, मार्केट में लोग, फिर यूजर ने कहा सही नहीं है, फेल। मतलब आपको काम करने में, सॉफ्टवेयर डेवलप करने में क्या होने लगी, एल्ट्रन में भी दिक्कत होने लगी, ठीक है? ये सब मिल जाएगी, जितने पॉइंट्स खोज रहे हैं सब कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है? यही अप्रोच लेते हुए फिर एक और यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहुंचा। कहां पहुंचा? कैम्ब्रिज, नाम सुने होंगे, वहां भी रिसर्च स्कॉलर, ठीक है? उन्होंने कहा इसी प्रोजेक्ट को उठाते हैं, तो सक्सेस हुआ नहीं था, रिसर्च तो ये लोग थेसिस तो सबमिट कर दिया था पर मार्केट में ये चला तो था नहीं, तो कुछ कमी होगी, हम लोग रिसर्च करते हैं वही ढूंढते हैं कमियों को, ठीक है? अब ढूंढ लिया तो ढूंढ लिया, नहीं ढूंढा तो रिसर्च तो करना है। तो इन्होंने एल्गोल एल्ट्रन को मतलब एक बेस बना के इन लोगों ने एक और लैंग्वेज पे काम करना शुरू किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च स्कॉलर थे उसका नाम रखा बीसीपीएल। क्या नाम रखा? बीसीपीएल, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? वो लोग भी अपना थेसिस जमा कर दिया, ठीक है, थेसिस अप्रूव्ड हो गया, बीसीपीएल मार्केट को दे दिया, फिर यूजर कहा कि ना बीसीपीएल भी ठीक नहीं है। अब क्यों ठीक नहीं है, सब आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बीसीपीएल भी ठीक नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना आसान काम इसमें नहीं है, मुश्किल ज्यादा है, सब हाई लेवल लैंग्वेज लेकिन फिर भी मुश्किल ज्यादा है। क्यों मुश्किल है आगे चर्चा करते हैं। ये भी फेल, ठीक। 1967-68 की बात कर रहा हूं, ठीक है? अमेरिका में एक कंपनी है AT&T बेल स्लैब, आज भी है AT&T कंपनी जो है, आज भी है, ठीक है? AT&T बेल स्लैब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी थी, ठीक है? उस समय उस टीम लीडर थे केन थॉम्सन। कौन थे? केन थॉम्सन, ठीक। और उनके कलीग, उनके असिस्टेंट या उनसे जूनियर एक बंदा और भी उनके साथ था, उनका नाम था डेनिस रिची। ये मैं 67-68 की बात कर रहा हूं, कब की बात कर रहा हूं? 67-68, ठीक है? और केन थॉम्सन ऑलरेडी AT&T बेल स्लैब के लिए बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी असेंबली को यूज करके बना चुके थे, जिनका जिक्र हमने आपको किया था, PDP-1, PDP-2, PDP-3 से लेकर PDP-11, 12 तक शायद लास्ट रहा था, ये उन्हीं का था, ठीक है? लेकिन उनको एक और प्रोजेक्ट कंपनी ने दिया था कि भैया आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, उसका नाम है यूनिक्स। क्या नाम है? यूनिक्स।
और ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है जो हर कंप्यूटर पे चले, क्योंकि कंप्यूटर एक जैसा नहीं है, कंप्यूटर चार तरह का है, फंडामेंटल में पढ़े होंगे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सबके आर्किटेक्चर एक जैसे नहीं है, अलग अलग है एवरीबॉडी, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा बनाइए कि सब में चले, ठीक है। तो हुआ कि पीडीपी तो जो हम बनाए हैं ये सब छोटा पे चलेगा, हम लोग उसी को देख के बनाए हैं, तो नहीं, अब तो आपको इस पे काम करना है, प्रोजेक्ट यही है आपका, ठीक है। अब इनके पास प्रोजेक्ट मिला तो इन्होंने, केन थॉम्सन ने सोचा कि हम किसके लेके आगे बढ़ेंगे। पीडीपी का जितना सीरीज हमने दिया वो तो हम असेंबली में बनाए, किसमें बनाए, असेंबली में, ठीक है। और उस समय का एक और भी दिक्कत था कि इंटेल के दोनों फैमिली थे, आर्किटेक्चर पढ़े होंगे, 85 फैमिली भी चल रहा था, 86 फैमिली भी चल रहा था, तो दोनों के आर्किटेक्चर भी क्या थे, अलग अलग, तो ओएस बनाएंगे तो एक ही ओएस दो आर्किटेक्चर पे कैसे काम करेगा, दोनों के लिए हमको अलग अलग सोचना पड़ेगा, ठीक है। पीडीपी में तो हम ऐसा कर दिए थे कि कोई 85 के लिए था तो कोई 86 के लिए था, ठीक है। ये तो कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, हमको जो कहा जा रहा है कि सब पे चले, मतलब एक ही यूनिक्स हो, 85 पे भी डाल दीजिए चले, 86 पे भी डाल दीजिए चले, सुपर कंप्यूटर पे भी डाल दीजिए चले, मेन फ्रेम पे भी डाल दीजिए चले, ठीक है। तो इनके पास तो एक चैलेंजिंग टास्क हो गया कि पिछले में कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल किसी काम का नहीं है, असेंबली लेकर चलेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि असेंबली लेके बढ़ेंगे तो दो दो फैमिली पे काम करना होगा, ठीक है। और दूसरा चीज है, असेंबली ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और जो प्रोजेक्ट मिला है वो काफी बड़ा है, ठीक है। तो इनके लिए कंफ्यूजन हो गया, इन्होंने असेंबली को लेके मन बनाया भी होगा, लेकिन एक रीजन इनके दिमाग में ये आया होगा कि हमको दो फैमिली के लिए काम करना होगा, दो बार मेहनत करना होगा, ठीक है। इन्होंने एक दिमाग ये लगाया कि हम दो बार मेहनत करें या बार बार मेहनत करें, उससे अच्छा ये हो कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में बनाए, पहले हम एक ऐसे लैंग्वेज को इन्वेंट करें, ध्यान से समझना है, जो सब पे चले, जो सब पे चले, नो मैटर कि वो 85 फैमिली का है ऑपरेटिंग सिस्टम या 86 फैमिली का है किसी और का है, चले सब पे, ठीक है। उन्होंने उस पहले सोचा कि अगर हम इसमें सक्सेस हो जाएंगे तो इस लैंग्वेज को यूज करके जब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे तो वो भी सब पे चलेगा, पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो हुआ क्या किया जाए भाई, कोई लैंग्वेज तो है नहीं, और जो लैंग्वेज एल्गोल, एल्फ्रेन और बीसीपीएल ये सब तो फ्लॉप हो चुका है, ठीक है, तो हम ही लोग इन्वेंट करते हैं, ठीक है। टीम ने कहा कि पहले हम लोग लैंग्वेज इन्वेंट करते हैं, बाद में यूनिक्स का काम सोचेंगे, ठीक है, पहले एक दो साल इस पे प्रयास करते हैं, किया भी। तो केन थॉम्सन और उनकी टीम, जिनमें डेनिस रिची भी थे, ठीक है, ये लोग एक लैंग्वेज बनाने में जुट गए। और चूंकि बीसीपीएल पे लास्ट ड्रॉप हुआ था कंसेप्ट, जो फेलियर होता आ रहा था, इन्होंने उसी इस लेसन से आगे बढ़ा और नया लैंग्वेज बना डाला, बी, क्या डाला, बी, यानी 1968-69 में बी लैंग्वेज कंप्लीट हो गया था, ठीक है, 68-69 के आसपास, ठीक है। किताब में एक साल आगे पीछे मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे सीके मेंसन में किसी बुक में 72 लिखता है, किसी में 70 लिखता है, हार्वर्ड सील्ड का किताब पढ़िएगा 1970 में, ठीक है, और किसी किताब में लिख दिया है 1972, तो सबका अपना अपना मत होगा, ठीक है, 70 वाला भी सही है, 72 वाला भी सही है। तो 68 के आसपास में इन्होंने बी पे काम कर लिया, ठीक है। और जब बी पे काम कर लिया तो हुआ कि भाई मेन प्रोजेक्ट मेरा क्या है, कंपनी ने क्या कहा हमको, यूनिक्स बनाने के लिए, लैंग्वेज तो बना ली है, ठीक है, चलो दुनिया को दे ना दे वो तो बात की बात है, कि दुनिया को हम बी देंगे या नहीं देंगे बाद में हम डिसीजन करेंगे, पहले तो हम यूनिक्स बनाना शुरू करें। जैसे ही यूनिक्स बनाना शुरू किया, उसी कंपनी के सारे डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स, 25-30% कोडिंग यूनिक्स का किया गया,
तो वहीं का प्रोग्रामर कहा कि लैंग्वेज से अब यूनिक्स आगे नहीं बढ़ेगा, प्रॉब्लम रुक गया यूनिक्स। तो उस सब के लिए यूनिवर्सल, कोई भी उस समय का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम था, समझिए उस समय के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे सबके लिए थे, ठीक है ओके। लेकिन मेन पर्पस वो नहीं था ना, कंपनी का मेन ओरिएंटेशन क्या था? यूनिक्स बनाना। अब जैसे यूनिक्स में काम करना शुरू किया लोग, लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम आ गया, तो अब तो दुनिया को देने के दूर की बात है, अपना ही काम नहीं हुआ, ठीक है। ये मिलेगा आपको हिस्ट्री 25-30% वाली जो बात बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो 25-30% कोड हुआ, वहां के डेवलपर कहेंगे अब इसमें नहीं होगा, इसमें यूनिक्स नहीं डेवलप हो पाएगा, बहुत दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब है कि दिक्कत क्या है भाई, इतना चलते आ रहा है अभी तक दिक्कत ही दिक्कत है, मतलब ऐसा क्या है जो हमने नहीं सोचा, उसने छोड़ा हमने सोचा, हम भी सोचे तो नहीं हो पाया, हमारे बाद इसने सोचा इसने भी सोचा तो नहीं हो पाया, आखिर क्या है, क्या ऐसा मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से लैंग्वेज ठीक है पॉपुलर नहीं हो रहा है या काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद केन थॉम्सन इस प्रोजेक्ट से आउट हो गए, बाहर हो गए, अपने आप को कर लिए होंगे या कुछ कारण होगा, आई डोंट नो, ठीक है। वो उससे मिल जाए तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद का यही है कि केन थॉम्सन इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गए, ठीक है, हो गए कर दिया गया वट एवर आई डोंट नो, ठीक है, यानी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। तो हुआ कि भाई ये टीम लीडर हैं, अगर आप हट रहे हैं छोड़ रहे हैं जा रहे हैं छुट्टी ले रहे हैं, ठीक है, 5 साल का छुट्टी लेके आप बैठना चाह रहे हैं, किसी को तो टीम लीडर बनाना होगा, ठीक है। तो इनका इनके हुआ कि टीम लीडर किसको बनाया जाता, इनका कलीग कौन था, क्या नाम बताए थे, इसीलिए हम शुरू में नाम बोले थे, केन थॉम्सन के साथ कौन था जूनियर इनका, डेनिस रिची, जॉन किम, क्या बोले, डेनिस रिची सर, डेनिस रिची, ठीक है डेनिस रिची। तो हुआ कि इनको टीम लीडर बना दिया जाए और प्रोजेक्ट इनके हवाले कर दिया जाए, ठीक है। अब हमको ये लग रहा था कि डेनिस रिची 1968-69 की हम बात कर रहे हैं और डेनिस रिची आए और एक ही साल में सारा चीज रिजॉल्व भी हो गया, यूनिक्स भी तैयार हो गया, हमको लग रहा है कि डेनिस रिची को पहले से अवेयरनेस था या होगा, ये मेरा पर्सनल फीलिंग, ठीक है, ये मेरा पर्सनल फीलिंग है। लेकिन क्या होता है ना कि जो आदमी जब जूनियर रहता है तो अगर कुछ हमारे अंदर भी है तो कभी कभी सीनियर के पास निकाल नहीं पाता होगा, हो सकता है उस तरह का एनवायरमेंट हो, सीनियर सीनियर है, वो जो कह रहा है जो दिमाग लग रहा है ना, हम जो कह रहे हैं वही काम करते जाना है, उसी स्टैंडर्ड पे हम लोग आगे बढ़ना है, हो सकता है, या हो सकता है कि हमारे अंदर है, हम क्यों बताऊं, मैं क्यों बताऊं, ऐसा भी हो सकता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी टेंडेंसी है, मतलब हम ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, हालांकि नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे टीम लीडर के तौर पर डेनिस रिची को टीम लीडर बना दिया गया और उनके हवाले प्रोजेक्ट कर दिया गया, इन्होंने कहा कि हम चलो सबको सर्वे करते हैं, और झट से इन्होंने सर्वे किया, 1-2 महीना 3 महीना सर्वे किया, कहा अरे सब में एक प्रॉब्लम था जिसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है, जितना लैंग्वेज अभी तक मिला ना एल1 से लेके बी तक सब टाइपलेस लैंग्वेज था, मतलब डाटा टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं था, वैल्यू वैल्यू था, तो भैया वैल्यू वैल्यू रहेगा तो अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे होगा, लॉजिकल ऑपरेशन कैसे होगा, स्ट्रिंग का ऑपरेशन कैसे, तो इसमें काम करने में तो मुश्किल आएगा ही, ठीक है, इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी, इसी वजह से सॉफ्टवेयर बनाने में मुश्किल हो रही थी। वैल्यू 2 है लेकिन वो कह रहा है कि नहीं ये नंबर नहीं है ये वैल्यू है, तो हम ही को जानना होगा कि ये वैल्यू नंबर है और हम ही को ऑपरेशन भी परफॉर्म कराना होगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जा रही थी, बस इसी वजह से यूनिक्स नहीं बन पाया। इन्होंने कुछ नहीं किया, जो टाइपलेस लैंग्वेज बी था उसमें डेटा टाइप का कंसेप्ट क्या कर दिया, डाल दिया, कि अब वैल्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए, हालांकि अपना आखिर उन्होंने कुछ नया तो दिया ना उसमें,
चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, हम किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को सी के द्वारा यूज कर सकते हैं और तब से लेके सी आज तक यूज होता आ रहा है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो दिस इज द हिस्ट्री अबाउट द ओके। कुछ का मानना है कि चूंकि 70 में यूनिक्स बना दिया गया था तो सी का इन्वेंशन का डेट मानिए क्या 70, क्योंकि उसी समय सी यूज किया गया होगा। अरे सी यूज किया गया तो यूनिक्स बनाया गया, ठीक है, तो आप इन्वेंशन उसका कब मानेंगे 70। कुछ का है कि नहीं, हम जब मार्केट निकला, मार्केट को दिया गया, तब का हम इसमें मानेंगे। हमको आपके कंपनी से क्या लेना देना, ठीक है, हमको तो मार्केट से लेना देना, पब्लिशिंग से लेना देना, तो उसके अनुसार अगर चले तो 1972 है। क्या है? 1972 किताबों में मिलेंगी, ठीक है। लेकिन हर्बर्ट सिल्ड की किताब पढ़िएगा, कंप्लीट रेफरेंस ऑफ सी, तो उसमें 1970 मिलेगी, और कुछ ऑनलाइन भी आप देखिएगा तो 70 और 72 दोनों का जिक्र होगा, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। 70 इसलिए है क्योंकि उसी को यूज करके यूनिक्स बनाया गया होगा, तो ये ओपिनियन है 70 देने का, और 72 इसलिए कोई ओपिनियन दे रहा है क्योंकि मार्केट को पहला रिलीज 72 में दिया गया है, इसलिए 72 दे रहे हैं। पॉइंट क्लियर? ठीक है, ठीक है, ओके। अब है कि 70 भी है, 72 भी है, हमसे पूछा जाए किसको टिक लगा है, ठीक है, तो 72 ही लगा दीजिए। हाँ, पहले ही आ गया था। आप पब्लिक को तो दिए, पब्लिक को क्या पता, पब्लिक को रिलीज तो आप यूनिक्स बनाने के बाद किए, ठीक है, पब्लिक के नॉलेज में कब आया, तो पब्लिक नॉलेज के अनुसार चले तो 72 में है, ठीक है। सी सॉफ्टवेयर दुनिया के लिए कब हुआ, 72 में, उसके पहले AT&T, आपसे हमको क्या मतलब है, आप थोड़ी मेरा काम करा रहे थे, नहीं समझे, आप तो अपना काम कर रहे थे, यूनिक्स बना रहे थे, ठीक है, तो अपना अपना ओपिनियन है इसमें, जो फैक्ट था वो हम आपके साथ शेयर कर लिए, वो आप खोज भी सकते हैं, ठीक है। अगर पब्लिशिंग के अनुसार यूजर के भी पॉइंट से जाया जाए तो हम लोग का आंसर 72 ही होना चाहिए, लेकिन अगर एक्चुअलिटी के हिसाब से देखा जाए किसी बन चुका कब था, भले हमको मिले या ना मिले, तब तो 70 ही होगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर? ओके, तो ये आपका बेसिक हिस्ट्री है। सी, डेनिस रिची जब बनाए सी, तो एक चीज उन्होंने कहा कि मैं न्यू फीचर डाटा टाइप का कंसेप्ट तो मैं दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन सी में कितने चीज होंगे ये मैं भी श्योर नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए नहीं क्योंकि बी का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी सी में है। अरे बी, बी में पूरा 100% योगदान किनका रहा, केन थॉमसन का, किनका रहा, केन थॉमसन का, ये तो कलिक थे, ठीक है, ठीक है, कुछ जानने रहे होंगे, कुछ नहीं भी जान रहे होंगे, काम कर रहे हैं तो कुछ जान रहे हैं, कुछ नहीं भी जान रहे हैं, लेकिन 100% बी को कौन जान रहा है, केन थॉमसन। उसके बाद प्रोजेक्ट से हट गए, मॉडिफाई हुआ, डाटा टाइप का कंसेप्ट डाले, कुछ न्यू फीचर जाने डाले, तो ये तो डेनिस रिची जान रहे हैं, लेकिन बी के कुछ जान रहे हैं, कुछ नहीं जान रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये चीज डालने के बाद उन चीजों पे जो हम नहीं जान रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में इसका इफेक्ट कैसा होगा वो हम भी नहीं बता सकते हैं, हो सकता है कि इसमें बहुत सारे आप काम कर सकते। हाँ, स्टैटिस्टिक्स से वो लोग हुआ था, ठीक है, तो मैं जो बोला वो समझ गए, ओके। तो इन्होंने लिख दिया कि इसमें बहुत सारे हिडन ट्रेजर्स भी रहेंगे, आने वाले समय में यूजर्स कोई काम रहेगा उसको वो दिमाग लगाएगा, कुछ कंसेप्ट से आंसर आएगा कुछ और, कुछ कुछ चीजें हैं जब आप, मैं पढ़ाऊंगा तो आपके साथ डिस्कस भी करूंगा उसे। इसको बोलते हैं हिडन ट्रेजर्स, मार्केट में किताब भी मिलती है हिडन ट्रेजर्स इन सी, बहुत सारे ऐसे काम जो हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है, ठीक है, हालांकि उसके कारण बाद बाद में हम लोग खोज खोज के स्पष्ट भी किए कि क्यों कर रहा है ऐसा, ठीक है, कुछ सही भी है और कुछ आज तक डाउटफुल बना हुआ, क्लियर। लेकिन यूजर्स ने ये रियलाइज किया कि वन ऑफ द पावरफुल लैंग्वेज हमको मिल चुका है जिसमें हम सारे काम को कर सकते हैं। सी में एक खास बात है,
कि सी हाई लेवल लैंग्वेज होने के साथ साथ इसमें असेंबली पूरा कंबाइंड है. क्या कंबाइंड है? असेंबली, जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज है. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज. इसलिए सी को क्या कहा जाता है? मिडिल लेवल लैंग्वेज. ठीक है. इफ समबडी आस्क्स व्हाई सी इज कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज, योर आंसर इज बिकॉज इट कंसिस्ट्स बोथ ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक अ हाई लेवल लैंग्वेज एज वेल एज लो लेवल लैंग्वेज. सो इट इज कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज. ठीक है, मिडिल लेवल लैंग्वेज. क्लियर. अब इसका जो इंस्ट्रक्शंस है, हंसना नहीं है, ठीक है, इसका जो इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, अब ये मिडिल है तो जो भी इंस्ट्रक्शंस इसमें मिलेंगे वो बेसिक लैंग्वेज जैसा नहीं होगा. इनपुट लिख दें एकदम आसान, इनपुट टू कॉमा, इसमें जो भी मिलेंगे इनपुट वाला वर्ड वैसा वर्ड तो मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ कुछ सिंबल्स भी होंगे. कहीं पे सेमीकोलन का मतलब होगा, कहीं पे परसेंट का मतलब होगा, तो हमें उनको भी फॉलो अप करना पड़ेगा. अगर नहीं करेंगे तो फिर तो ये काम नहीं करेगा. ठीक है, तो सिंटेक्स वाइज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि आपके बेसिक लैंग्वेज में नहीं है और दूसरे लैंग्वेजेस में नहीं है. वो भी इसलिए है क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है. क्या है? लेकिन फायदा ये है कि इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं और इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी डेवलप, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हैं, नया ट्रांसलेटर भी बना सकते हैं, इंटरप्रेटर भी बना सकते हैं, कंपाइलर भी बना सकते हैं, बैंक का सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, स्कूल का भी सॉफ्टवेयर, सारे काम को कर सकते हैं. ठीक है, तो उस समय रियलाइज किया गया जब सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, तो आने वाले फ्यूचर में तो यही सबका बेस होगा. जैसे इसके पहले असेंबली बेस था, तो अब आने वाले जो भी नया लैंग्वेज होगा सबका बेस क्या बनेगा? क्योंकि असेंबली तो इसमें इंक्लूडेड है, लोग असेंबली के पास अब क्यों जाएगा? अब तो सी के पास जाएगा. ठीक है, ओके. तो कह दिया गया कि इट इज अ मदर लैंग्वेज अमंग ऑल द लैंग्वेज. ये सारे लैंग्वेजेस के क्या है? माँ. सो वी कैन से दैट सी इज अ मदर लैंग्वेज अमंग ऑल द लैंग्वेजेस. आज आप नए लैंग्वेज पाइथन की बात कर लें, जावा की बात कर लें, ठीक है, डॉट की बात कर लें. ठीक है, डॉट लैंग्वेज के नाम सुने हैं? फ्लटर. फ्लटर, ठीक है, उसमें डॉट लैंग्वेज DART लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है. सब का बेस कौन है? PHP पढ़ रहा है, बेस सी. सब में घुसा हुआ है कौन है? सी. क्लियर, ठीक है. एंड दिस इज द हिस्ट्री अबाउट द सी. अब थोड़ा सा नहीं कर सकते हैं आज के लिए, इतना है.